तो दोस्तों आजकल इंडिया के अंदर अपडेट्स तो भाई बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं MIUI के, लेकिन भाई यहाँ पर जो अपडेट्स आ रहे हैं वो केवल MIUI 11 के देखने को मिल रहे हैं और साथ में आपको Android 10 वगैरह के ही अपडेट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो MIUI 12 के अपडेट्स हैं वो लगातार डिले हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की जो पहले रोल आउट हुए थे लेकिन अब फाइनली वो पब्लिक रोल आउट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और जो पासवर्ड नोटिफिकेशन बेल का आइकन आएगा उस पर क्लिक कर देना ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों जैसे कोई भी यहाँ पर जो अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप पर पहले ही बता देता हूँ कि भाई ये जो अपडेट है ये रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, आप अपने डिवाइस को चेक कर लीजिए आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर जो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से डिवाइसों के लिए जो अपडेट आजकल रोल आउट हो रहे हैं और बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर MIUI 12 के बारे में जो लगातार डिले हो रहा है। अगर बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की, तो भाई जो कल यानी कि यहाँ पर जो 28 अगस्त को अपडेट रोल आउट हो रहा था, तो इसके लिए मैंने बताया भी था कि भाई जो Redmi Note 7 Pro वाले हैं उनके लिए जो MIUI 11.0.2.0 का जो स्टेबल अपडेट है ये रोल आउट हो रहा है पब्लिक तौर पर। इससे पहले दोस्तों ये जो अपडेट है ये बहुत बार आ चुका है, लेकिन जिन्हें अभी तक भी अपडेट नहीं मिला था तो उनके लिए ये अपडेट फिर दोबारा से रोल आउट हो रहा है। अगर बात करते हैं इस अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको Android 10 मिलता है, साथ में जुलाई 2020 के Android सिक्योरिटी पैच, इसके अलावा जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी है इंक्रीज कर दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम Redmi Note 7 Pro में Android 10 का अपडेट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत बग्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन आप उसे थोड़े बहुत माइनर से बग्स देखने को मिले, मुझे तो यहाँ पर खास नहीं देखने को मिले। जो मेरा Redmi Note 7 Pro है मैं उसमें बहुत पहले ही जो अपडेट कर चुका हूँ। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ पर जो Redmi Y3 के लिए भी अब जो स्टेबल अपडेट है MIUI 11.0.10.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है पब्लिक तौर पर और ये सभी को मिल रहा है, लेकिन भाई ये जो अपडेट आने के बाद में फिर दोबारा से स्टॉप कर दिया गया, जाने के डिसअपीयर हो गया। भाई मेरे पास लिंक है, अगर आपके डिवाइस में है MIUI 11.0.9.0 तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं OTA अपडेट। अगर आपके डिवाइस में और कोई सा रोम वर्क हो रहा है तो यहाँ पर जो आप फुल रोम डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिंक भी मैंने दी हुई है, तो यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, फ्लैश कर लीजिए। और यहाँ पर अगर बात करते हैं इस अपडेट के बारे में, तो इस अपडेट का साइज़ है वह 373 MB का। यहाँ पर आपको अगस्त 2020 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच और जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी है वो इंक्रीज़ कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट नहीं मिलता है, यहाँ पर केवल मिलता है आपको एंड्रॉयड पाई का ही अपडेट। अगर बात करते हैं उसके बारे में नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ पर भाई Redmi 7A के लिए भी जो अब MIUI 11.0.2.0 का स्टेबल अपडेट है वो फिर दोबारा से लोगों को मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिन्हें ये अपडेट नहीं मिला था तो भाई उनके लिए अपडेट फिर दोबारा से रोल आउट हो रहा है। आप अपनी डिवाइस को चेक कर सकते हैं तो शायद आपको आपके डिवाइस में अपडेट मिल जाएगा। अगर बात की जाए इस अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर इस जो अपडेट का नाम है वो है MIUI 11.0.2.0 जो Android Q10 पर बेस्ड है। यहाँ पर स्टेबल रोम है 190 MB की। अब दोस्तों ये जो अपडेट है ना, ये यहाँ पर सेकंड अपडेट है जो आया है Redmi 7A वालों के लिए Android 10 का। इससे पहले एक अपडेट आ चुका है जो बिगर रोम थी अराउंड 1 GB के आसपास की, तो उसमें आपको जो Android 10 मिल चुका है पहले, ये सेकंड अपडेट देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये आप कर सकते हैं, ये स्टेबल अपडेट है जो आपके पुराने इश्यूज वगैरह हैं वो फिक्स कर दिए जाएंगे इस जो अपडेट में। यहाँ पर जो इसकी जो OTA अपडेट है वो भी मेरे पास है, अगर दोस्तों आपके डिवाइस में है MIUI 11.0.1.0 जो Android Q पर ही बेस्ड था, तो उसके लिए जो OTA अपडेट आया है केवल 190 MB का, लेकिन अगर आप किसी ओल्डर वर्जन पर हैं तो भाई मेरे पास ये जो फुल रोम है तो यहाँ पर आप डाउनलोड करके भी फ्लैश कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी यहाँ पर दोस्तों इन डिवाइसों के बारे में। अगर बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 7S के लिए कि भाई इनके लिए क्या हो रहा है, तो भाई मैं बता दूँ इनके लिए जो लास्ट अपडेट आया था MIUI 11.0.3.0 का, तो उसके बाद में अभी इन्हें कोई और अपडेट नहीं देखने को मिल रहा है जिनके पास Redmi Note 7 और Redmi Note 7S है, और बहुत लोगों को तो ये वाला भी अपडेट नहीं मिला। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये जो अपडेट है ये पब्लिक रिलीज़ हो चुका है, भाई आप डाउनलोड कर लीजिए, मेरे जो टेलीग्राम के चैनल पर इसकी डाउनलोड लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप मैनुअली फ्लैश कर सकती हैं, आराम से फ्लैश हो जाएगा और कोई भी एरर नहीं शो करेगा। यहाँ पर जो आपको मिलता है MIUI 11.0.3.0 में,
तो ये स्टेबल रोम है और जो एंड्रॉयड 10 पर अपडेट है, साथ में यहाँ पर जो आपको अगस्त 2020 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, साथ में जो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है। तो भाई जो इसके लिंक वगैरह है वो सब चीज़ डाल चुका हूँ, तो भाई आप डाउनलोड कर लीजिए, आप किसी चीज़ का वेट मत कीजिए। Xiaomi वाले आजकल वैसे भी अपडेट नहीं दे रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर MIUI 12 के बारे में, तो भाई MIUI 12 पता नहीं क्या कर रहे हैं Xiaomi वाले, लगातार यहाँ पर लेट कर रहे हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर जो स्केड्यूल आया था इंडिया वाला, जिसमें यहाँ पर डिवाइस शामिल थे MI 10, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 7 S भी इसमें आ जाता है। तो भाई इसमें से जो अपडेट अभी तक पता कौन से डिवाइसों का नहीं मिला है, इसमें से Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 8, इन दो डिवाइसों को अपडेट नहीं मिला है। और भाई इन्होंने बताया था कि जो अगस्त के स्टार्टिंग में इन्हें जो अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन भाई अगस्त की एंड आ गई है, लेकिन जो Redmi Note 8 और Redmi Note 9 Pro वालों को तो अभी तक भी अपडेट नहीं देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro वालों के लिए, तो देखा जाए तो भाई इन्हें भी अपडेट नहीं मिला है MIUI 12 का, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट आया है वो केवल पायलट टेस्टर के लिए आया। भाई यहाँ पर पार्शियल रोल आउट भी नहीं हुआ कि हाँ भाई कि अराउंड 2-4 हज़ार यूजर को मिल जाए, यहाँ पर केवल कोई 100-200 सिलेक्टेड यूजर को ही अपडेट मिला है। तो भाई ऐसा अपडेट मिलना ना मिलना तो एक ही बराबर हो जाता है। तो मैं तो मानता हूँ कि अभी तक जो केबल अपडेट आया है ना वो किस में आया है, एक MI 10 में आया है और उसके बाद में Redmi Note 8 Pro में अपडेट आया है और एक Poco X2 वगैरह में अपडेट आ गया, ठीक है। इन तीन डिवाइसों के अलावा तो भाई किसी में अपडेट ही नहीं आया इंडिया में। यहाँ पर अगर किसी को पायलट टेस्टिंग वाली रोम मिल जाए तो उसे हम यहाँ पर ये नहीं कह देंगे कि जो अपडेट मिल गया है, तो भाई वो बिल्कुल बेकार चीज़ है, जो हम इसे यूज भी नहीं कर सकते। अगर पार्शियल रोल आउट होता है तो हम यहाँ पर लिंक से डाउनलोड करके फ्लैश करके ट्राई कर सकते हैं और बहुत बार हो भी आता है विदाउट किसी बूट लोडर को अनलॉक किए, लेकिन भाई अगर अपडेट ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Xiaomi वालों ने अभी तक जो अगस्त महीने के दौरान यहाँ पर MI 10 और Redmi Note 8 Pro और Poco X2 को ही अपडेट दिया है। इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसका नाम है जो Redmi 6 Pro, इसके लिए भी जो पार्शियली रोल आउट हुआ है लेकिन सभी यूजर को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, खास बात यह है कि इनके लिए जो पायलट टेस्टिंग की रोम नहीं आई है, यहाँ पर कुछ पार्शियल लोगों को जो अपडेट देखने मिल गया है, यानी कि अराउंड 2-3 हज़ार यूजर को अपडेट आराम से मिल चुका है ये। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो Xiaomi वाले लाखों मोबाइल बेचते हैं, अगर उसमें से 1-2% लोगों को अपडेट मिले तो भाई हम उसे अपडेट में काउंट नहीं करेंगे। तो भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं Xiaomi वाले ने, पूरा दिमाग ख़राब कर दिया है। यहाँ पर अगस्त एंड आ गया है और यहाँ पर जो अपडेट का नाम बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर केवल 1-2 डिवाइसों का अपडेट दे दिया है, उसके अलावा यहाँ पर फीचर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और बात करते हैं अगर उसकी मेन जो Redmi K20 और Redmi K20 Pro को जो अपडेट मिला है, तो भाई वो महंगे डिवाइस हैं, हम उन्हें यहाँ पर Redmi के Note सीरीज में तो काउंट करेंगे नहीं, वो महंगे वाले डिवाइस होते हैं तो उन्हें तो अपडेट मिल ही जाता है। तो फिलहाल देखते हैं दोस्तों क्या होता है और कैसे जो अपडेट्स वगैरह आते हैं, तो आप मुझे बताइएगा क्या आप परेशान हैं यहाँ पर Xiaomi के अपडेट्स वगैरह से। तो फिलहाल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको MIUI 12 और जो न्यू अपडेट्स के बारे में। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपने ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।